वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी श्रीकला सिंह को लेकर एक सवाल सियासी गलियारों में शोर मचा हुए है कि अब आगे वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी श्रीकला सिंह के सामने भी अब ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं और अब तो नामांकन की आखिरी तारीख भी निकल चुकी है। याद दिला दें कि जेल जाने से पहले धनंजय सिंह जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का दम भर रहे थे। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन से टिकट ना मिलने के बाद धनंजय सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस दौरान अपहरण और रंगदारी के एक पुराने मामले में धनंजय सिंह को अदालत से 7 साल की सजा हो गई और धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद और उनकी पत्नी श्रीकला सिंह ने जौनपुर सीट से ताल ठोकी। बसपा ने श्रीकला सिंह को टिकट देकर जौनपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। बसपा से टिकट मिलने के बाद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह जौनपुर क्षेत्र में प्रचार कर रही थी। फिर चाहे नुक्कड़ सभा हो, रैली या फिर डोर टू डोर कैंपेन, श्रीकला सिंह ने लोगों के बीच अपनी उपस्थिति बनाई थी, जिसके चलते जौनपुर में मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय बनता जा रहा था। बीजेपी कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह एक ही समुदाय से आते हैं और धनंजय सिंह 2009 में जौनपुर सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बन चुके हैं। इसी के चलते पहले बीजेपी का पलड़ा हल्का होता हुआ नजर आ रहा था और बीजेपी के लिए जौनपुर सीट फंसती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस कहानी में अभी तो एक सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था, जहां बसपा ने ऐन मौके पर श्रीकला सिंह का टिकट काटकर श्याम सिंह यादव को दे दिया, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर घनश्याम खरवार ने कहा कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का जौनपुर सीट से टिकट काटा नहीं गया, बल्कि उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन धनंजय सिंह की तरफ से इसे धोखा बताया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि वो बसपा से कई बार धोखा खा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी ये चेतावनी दी थी। उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है और वैसा हुआ भी, लेकिन अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि श्रीकला सिंह बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। इन दिनों चर्चाएं भी तेज हैं कि बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है, हालांकि इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पाई है। बता दें कि साल 2019 में भी श्रीकला सिंह ने जेपी नड्डा की मौजूदगी में हैदराबाद में बीजेपी ज्वाइन की थी। श्रीकला सिंह निप्पो समूह घराने की बेटी हैं और उनके पिता तेलंगाना के जूर नगर से निर्दलीय विधायक रहे हैं। धनंजय सिंह ने साल 2017 में उनसे शादी की थी। 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह बाद में मायावती से रिश्ते खराब होने पर बसपा से निष्कासित कर दिए गए थे। 2014 और 19 में भी वो भाजपा में आना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बनी। जौनपुर से उन्होंने 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब अगर श्रीकला सिंह बीजेपी में शामिल हो जाती हैं, तो संभव है कि धनंजय सिंह के लिए भी पार्टी में शामिल होने का रास्ता खुल सकता है।